हेलो वांशी लवर्स एंड इजा लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, फाइन होंगे। हाँ तो चलिए आज के इस ब्यूटीफुल से पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि कोई पर्सन तो है अनजान, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर वो दोबारा से इस स्टोरी में अपीयर हुआ है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ खास तो होगा। वो फिर से आता है और इस बार वो सीधे ही हमारे प्यारे से लंजा को हर्ट करने आता है, और वो उसे हर्ट करना चाहता है। इसीलिए उसने उसकी तरफ एक मैजिक बॉल से क्रिएटेड पावर सेंड करता है, उसकी तरफ भेजता है, पर उसे जान अपने ऊपर ले लेता है। और वो देखकर वो पर्सन डर जाता है कि आखिर इस नॉर्मल ह्यूमन को उस बॉल की वजह से कुछ हुआ क्यों नहीं, जबकि उस बॉल को वांगची के लिए बनाया गया था जिससे उसे चोट पहुँचे। और यहाँ तो ये पर्सन ही बिल्कुल ठीक है, ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जान को तब कुछ फील तो नहीं हो रहा था, पर उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगा था। और इस बात को हमारा लंजा नोटिस करता है। उसके मन में तो वैसे ही हज़ारों सवाल थे जिसका आंसर उसे नहीं मिला था। वो बाकी सबसे कहता है, आप सब बाहर क्यों नहीं जाते, मुझे जान से बातें करना है, प्लीज़ क्या आप मुझे कुछ समय के लिए उसके साथ अकेला छोड़ सकते हैं, प्लीज़। वो सब कुछ नहीं कहते और शौच जान युआन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। हमारा लंजा जल्दी से जान के पास जाता है और उसकी आँखों को कवर कर देता है और उसे किस कर लेता है। वो किस ऐसी वैसी किस नहीं थी, वो केवल चेक कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जान में, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमेशा ही इवो को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती थी। हमेशा ही जान की स्माइल उसे बहुत ज़्यादा एडोरेबल लगती थी, उसे बहुत ज़्यादा कामिंग फील होता था जब भी जान उसके आसपास रहता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। इस बार वो सच में जानना चाहता था कि आखिर जान है कौन। अगर वह कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो उस पावर से उसके तो चीथड़े उड़ जाते हैं, उसकी मौत वहीं हो जाती। पर यहाँ तो उसकी आंखें ब्राइटली चमक रही हैं, कुछ तो है जो जान को पता नहीं, और वो इस दुनिया से हाइड किए हुए हैं। जान हमारी लज्जा को पुश करता है और कहता है, क्या कर रहे हो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तब लज्जा कहता है, तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। जान कहता है, हाँ ठीक है, मैं गॉड हूँ, के मैं द मून किंग हूँ, ठीक है। तब लज्जा कहता है, प्लीज़ ये मजाक का समय नहीं है। वो उसे पकड़ कर मिरर के सामने लाता है और जान खुद की आंखों को बदलता देख डर जाता है। वो कहते हैं, ये क्या है? तब हमारा लज्जा कहता है, यही तो मैं चेक कर रहा हूँ कि आखिर तुम हो कौन और ये कैसे। तब जान कहता है, चेक करने का ये कौन सा तरीका है? इबो कहता है, लज्जा कहता है, प्लीज़ ओके, मुझे भी तुम्हें किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पावर्स कम है और मुझे चेक करने के लिए केवल यही एक तरीका पता है। अगर मेरी पावर्स कम होती हैं तो मैं यूजुअली ऐसे किसी को चेक नहीं करता, क्योंकि हमेशा से जाम्फो मेरे साथ रहते हैं तो वो खुद ही सबको चेक करते हैं। मैं कभी किसी को चेक नहीं किया है, तो पहले ऐसे इंसान हूँ, समझे? और हाँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गुस्सा हो जाता है तो जान कहता है, ठीक है प्लीज़, ये क्या है, मुझे डर लग रहा है खुद से, क्या मैं कोई शैतान हूँ, क्या अगर मैं डेमन हूँ, कि मैं यहाँ कैसे क्यों चमक रही है। इबो कहता है, शांत हो जाओ प्लीज़, और क्या मैं तुम्हारा पास्ट और इबो का पास्ट जान सकता हूँ, ताकि मैं कुछ आइडिया लगा सकूँ कि आखिर तुम हो कौन, और क्या तुमने कभी अनयूजुअल कुछ फील किया, तो प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ अपने बारे में। तो यहाँ से जान हमारे इबो और ख़ुद का फ्लैशबैक, मींस अभी तक छोटे से लेके बड़े तक उन दोनों के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ हमारे वांगटी को बताता है। तो गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप पहले पार्ट को सुन लीजिए, और अगर आपके पास कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तब मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके आंसर्स दे दूँगी। तो
हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तब जान कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इबो कहता है तुम मूनलाइट के नीचे बैठ जाओ। जान वॉज लाइक है मैं तुम्हारे नीचे कैसे बैठूँ। इबो कहता है शेमलेस मेरे नीचे बैठे को मैंने नहीं कहा, मैंने वो मून को और उसके नीचे जो लाइट आ रही जो अर्थ पर टच हो रही है उसके कहा, मीन्स बालकनी में बैठ जाओ। और जान वॉज लाइक क्लियर करना चाहिए ना, खुद को ही तो मून लाइट कहते हो और अब जब मैंने कुछ कहा तो मुझे भी गुस्सा कर रहे हो। इबो ने कहा बस इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं चले। वो दोनों ही बालकनी के पास बैठ जाते हैं। जान आराम से अपनी नीज को फोल्ड करता है और इबो भी। और तब जान अपना पास्ट और इबो का पास्ट बताना स्टार्ट करता है। जान कहता है मेरा नाम शाहजान है और मैं बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मेरे पेरेंट्स बहुत रिच नहीं हैं। मेरे फादर एक टीचर प्रोफेसर थे, वो मैथ्स के प्रोफेसर थे और मेरी मदर एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी। हमारी बहुत ही छोटी सी फैमिली थी जिसमें मैं मेरे डैडा और मेरी मम्मा थी बस, और कोई बिलोंग नहीं करता था। मैं बहुत ही हैप्पी चाइल्ड हुआ करता था बचपन में। मेरे पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए। मेरे पास एक सबसे प्यारी मम्मा थी, उससे भी ज़्यादा डैडा, दोनों मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे साथ खेलना, मुझे पढ़ाना, मुझे समझाना। मेरी मम्मा को हिस्ट्री से प्यार था और इसीलिए शायद से मुझे भी हिस्ट्री पसंद है। मुझे मैथ्स नहीं पसंद क्योंकि डैडा अपने ही में बहुत बिजी रहते थे। हम ये मम्मा को बहुत कम टाइम देते थे लेकिन जितना भी देते थे वो शायद से हम दोनों के लिए ही काफ़ी था। मेरी मम्मा हमेशा से मेरे बहुत करीब रही हैं और वो हमेशा मुझे हिस्ट्री में एक कहानी सुनाती थी। एक स्टोरी जिनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी लव के ऊपर थी। उन पर उन्हें प्यार में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उन्हें लगता था कि प्यार के पास ऐसी पावर है जो डायमेंशंस को दुनिया को बदल सकती है, दो गैलेक्सीज को एक कर सकती है और इस अर्थ को हेवन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है। अगर सबके दिल में प्यार हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो, प्योर ट्रू लव हो तो। और शायद से मेरी मदर का नेचर भी ऐसा ही था, वो सबसे प्यार करती थी। पर क्या, लंजा ने पूछा। कहते हैं ना गॉड को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं और उन्हें वो सबसे पास अपने पास सबसे पहले बुला लेते हैं। मेरी मदर भी बहुत अच्छी थी और यही वजह थी कि उन्होंने गॉड ने मेरी मम्मा को अपने पास बुला लिया, बहुत ज़्यादा पास। कैसे, लज्जा पूछता है, कैसे पता है तुम्हें, मेरी मम्मा मुझे स्कूल लेने आ रही थी, उनका ध्यान नहीं था और वो रोड क्रॉस कर रही थी और तब उनका एक ट्रक ने उन्हें हिट कर दिया और उनकी ऑन द स्पॉट डेड हो गई, जैसे मेरी वो की हुई। लंजा शॉक हो गया था, उसने कहा क्या। जान कहता है हाँ मेरी मदर बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी और मेरे डैडा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने भी मुझे छोड़कर वो चले गए और मैं अनाथ हो गया था, एकदम अकेला। तब शॉर्ट से जान के डैडा और मम्मा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। क्या, हाँ मैं शॉर्ट से जान का अडॉप्टेड ब्रदर हूँ। उनकी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो मेरे डैडा के फ्रेंड थे और मैं बहुत छोटा था और तब उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मैं तब से ही उनके साथ बड़ा हुआ, उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे अलाउ किया जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। हमेशा से मुझे ये फ्रीडम था और जब मैं बड़ा हुआ, 15 साल का हुआ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेरा ध्यान नहीं लगता था, मुझे हमेशा ही कमी लगती थी पर मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और ख़ासकर हिस्ट्री की क्योंकि इससे मुझे लगता था कि मेरी मम्मा मेरे पास है, बहुत ज़्यादा पास है और ये प्यार ही मुझे हिस्ट्री के प्रोफेसर बनने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने इतनी किताबें पढ़ ली कि
मैंने आराम से यूनिवर्सिटी क्रैक कर ली, फर्स्ट स्कोर किया, टॉपर रहा, और तब मैंने अपना करियर एज अ प्रोफेसर कंटिन्यू किया। ये थी मेरी सिंपल सी स्टोरी, फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल है ना। और ईबो, हाँ ईबो की स्टोरी के बारे में मैं क्या बताऊँ, उसे तो ये भी याद नहीं कि क्या उसके कोई पेरेंट्स थे भी या नहीं। क्या कहना क्या चाहते हो, ईबो जब से अपने होश में आया है वो हमेशा से खुद को एक ऑर्फन ने पाया है। उसके पास उसका कोई नहीं था, कोई भी नहीं, उसके ना पेरेंट्स थे, ना उसके कोई सिबलिंग्स, ना कोई ऐसा पर्सन जो उसे अडॉप्ट कर सके। हमेशा से ही वो एक ऑर्फन में रहा है। 18 साल तक वो ऑर्फन में ही बड़ा हुआ, वहीं रहा। पर तुम्हारी मुलाकात उससे कैसे हुई, तब जान कहता है, मैं 18 साल तक मैं कोई प्रोफेसर नहीं बना था, पर मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, और मैं अक्सर मेरे कॉलोनी में के आसपास जितने भी ऐसे ऑर्फन थे, मैं वहाँ जाकर उन्हें स्टोरी सुनाता था, कहानियाँ सुनाता था, उनके लिए छोटी छोटी किताबें लाता था जो मैं अफोर्ड कर सकूँ। और जब मैं शिफ्ट हो गया, मीन्स मैं दूसरे स्टेट से जब इधर आया, यहाँ पे आया, तब मैंने अपने लोकेलिटी में ईबो के ऑर्फन को पाया। मैं अक्सर वहाँ जाता था क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ बैठकर बातें करना बहुत पसंद था, और केवल एक ईबो था जो मुझसे बातें करना पसंद नहीं करता था, या कह लो उसे मेरी बातों से नफरत थी। पर क्यों, लज्जा पूछता है, क्योंकि मेरी बातों में प्यार था, और उसका मानना था कि उस दुनिया में प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। क्या, हाँ उसका ट्रस्ट प्यार से उठ गया था, क्योंकि अपनी लाइफ में वो कई बार अडॉप्ट हुआ पर सब उसे छोड़ देते थे, क्योंकि वो बहुत क्वाइट पर्सन था और उन्हें बहुत चीयरफुल, बहुत टैलेंटेड चाहिए था पर्सन। और वो ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर शायद से वो सब पागल थे, और इसलिए वो का ट्रस्ट उन पर्सन से उठ गया था। मैंने बहुत ज़्यादा ही कोशिश की उससे बातें करने का, हमेशा से वो मेरी अटेंशन ग्रैब कर लेता था, हमेशा से। वो 18 साल का था जब हम दोनों पहली बार उस ऑर्फन में मिले थे, और ऑर्फन का एक रूल था कि 18 साल होने के बाद उन्हें उस ऑर्फन को छोड़कर जाना पड़ता था, और इस दुनिया में अकेले उन्हें खुद से सर्वाइव करना पड़ता है। और इसलिए अपने 18th बर्थडे पे इबो वहाँ से जाने वाला था, और तब इबो के पास रहने के लिए जगह थी, ना खाने के लिए खाना और ना कुछ, तो फिर वो ऐसे ही, मैं अक्सर उस ऑर्फन में मिलने जाता था उन बच्चों से। और तब जब मैंने ये जाना, तब मैं ईबो को ढूंढने लगा, और तब मुझे ईबो एक पार्क में बैठा मिला था। मैं उसे अपने घर लेके आया। वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। उसे मनाने में मुझे बहुत समय लगा, और तब मैं उसे अपने घर ले आया। हमारे पास 3 कमरे थे, हम एक कमरा मैं यूज़ करता था, एक कमरा 6 इंचर और एक कमरा खाली था, हमने उसे स्टोर रूम बनाया था, पर ईबो के लिए मैंने उसे खाली कर लिया। और तब ईबो वहाँ रहता था, उसे पसंद नहीं था कि वो बस चुपचाप बैठ के खाना खाए, तो वो अक्सर पार्ट टाइम जॉब्स करता था, और उसे बहुत ज़्यादा लोगों से घुला मिलना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने काफ़ी सारी लाइब्रेरीज में वो अक्सर जाता था, तो वो वहीं काम करने लगा। और मेरी फेवरेट जगह लाइब्रेरी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें मुझे मिलती थी पढ़ने को, तो मैं अक्सर वहाँ जाता था, और ईबो से बातें करना, उसके साथ समय बिताते ना जाने कब मुझे उससे प्यार हो गया कि मैं कभी नहीं जान पाया। आज भी जब मुझसे कोई पूछता है कि मैंने ईबो से प्यार कैसे किया, तो मुझे नहीं पता कि कब मुझे उससे प्यार हो गया। शायद से प्यार करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती है, प्यार है वो तो बस ऐसे ही हो जाता है, शायद से हर बार मेरा यही रिप्लाई रहा है, क्योंकि आज तक भी मुझे इसका आंसर नहीं मिला। और तब उस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारा था, और तब एक दिन फाइनली हिम्मत करके मैंने उसे प्रपोज किया, और तब हमने शादी किया,
मुझे तो कभी यकीन नहीं था कि वो मुझे माफ़ मींस वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मुझे लगता था वो मुझसे नफ़रत करता है। पर जब मैंने उसकी ट्रू फीलिंग्स जानी तब मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत था। वो तो हमेशा से मुझसे प्यार करता था, वो मुझसे भागता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी प्यार पे ट्रस्ट नहीं रहा है। और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे हमेशा ही ट्रस्ट रहा है प्यार पर। मुझे हमेशा से प्यार पे ट्रस्ट था, क्योंकि ये शायद गुण मुझे मेरी मदर से मिला है, और मैंने हमेशा से प्यार किया है और हमेशा आगे करता रहूँगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। मैंने हमेशा से प्यार किया है। और तब जाके फाइनली जब मैंने उसे प्रपोज़ किया था और उसकी फीलिंग्स जब जानी, तब जाके हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई और हमने शादी की और अब हमारा प्यारा सा बेटा है। तो ये थी मेरी स्टोरी और कह लो मेरा पास्ट। तो क्या कुछ अनयूजुअल सा नहीं हुआ था? एक सीन याद है मुझे, बहुत ही अनयूजुअल सा। जब वो प्रेग्नेंट था तो उसकी डिलीवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, जबकि ये नॉर्मल ह्यूमन की कॉम्प्लिकेशन से बहुत डिफरेंट थे। डॉक्टर ने खुद कहा कि इवो की प्रेगनेंसी में अजीब सी कॉम्प्लिकेशंस है, उसे अक्सर अजीब सा फील होता, उसके बैक में उसे बहुत दर्द होता, मानो कुछ है उसके बैक में जो उसे पेन कर रहा है। और युवान अक्सर, जब युवान इवो के टमी में था तो अक्सर वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड बन जाता था, वो अक्सर इवो को बहुत ज़्यादा किक्स करता था और इसे उसे बहुत पेन होता था। यूजुअली बच्चे किक करते हैं, पर युवान के किक्स बहुत अलग थे, उसे बहुत पेन करते थे। और मैंने इवो के प्रेगनेंसी में एक चीज़ नोटिस किया, उसके खाने की हैबिट अक्सर ह्यूमंस को, नॉर्मल ह्यूमंस की खाने की हैबिट बदल जाती है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। पर इवो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक नॉर्मली ऐसे ही रहता था, मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। और उसकी प्रेगनेंसी में की बेली बम्प भी बहुत ज़्यादा शो नहीं करती थी। हाँ, वो राउंड हो गया था पर ये इतना ज़्यादा शो नहीं करता था जितना करना चाहिए। ये बहुत ही वियर्ड था और हमेशा से ही ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी, पर मैंने कभी भी उसे इवो से शेयर नहीं किया। और जिस दिन इवो हमारे युवान को डिलीवर कर रहा था, उस दिन अचानक से बहुत ज़्यादा बिजली चमकने लगी, हवाएं बहने लगी और फ्लावर्स उस स्काई से गिर रही थी। ये क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था। वो पूरे हॉस्पिटल में पता नहीं स्काई से या कहाँ से बहुत सारे फ्लावर्स की पेटल्स आने लगे। और जब युवान आया, जब मैंने उसकी क्राई सुनी, तब वो जो तुम्हारा चांद है वो ग्लो कर रहा था, उसकी पावर्स मानो 4 times ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा वो शाइन कर रहा था। और ये चीज़ें मैंने सच में नोटिस की, सच में ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, लंजा कहता है। तो क्या मैं इंसान नहीं, लंजा कहता है। मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता तो कि तुम ह्यूमन हो या नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जब अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है, प्लीज़ मुझे कुछ और बताओ। तो गाइस, अगर आपके पास कुछ है तो मींस कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर दूँगी। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैंने हमारे ईजान के पास्ट को क्लियर कर दिया है, तो अगर आपके पास कुछ है तो आप पूछ सकते हो, वरना आप स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे मैं। तो गाइस, ऑलवेज लव फंक्शन एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।